साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, भोपाल में महिला डॉक्टर से 88,000 रुपए की ठगी। एक ऑनलाइन जालसाज ने कथित तौर पर बीएसएफ अधिकारी के रूप में प्रतिरूपण करते हुए जहांगीराबाद स्थित एक महिला डॉक्टर को कॉल किया और एफ के 25 जवान के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के बहाने 88,000 रुपए की ठगी की। शिकायतकर्ता डॉक्टर नजीर आजम के पास एक कॉल आई और कॉल करने वाले ने अपना परिचय बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीएसएफ के 25 जवान के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में उनसे संपर्क किया है और चिकित्सा परीक्षा शुल्क के बारे में पूछा। उसने उनसे कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क 500 रुपये प्रति व्यक्ति होगा और कुल 12,500 रुपये होगा। आरोपी ने उन्हें यह कहकर जाल में फंसा लिया कि वह अग्रिम भुगतान करेगा। उसने ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के बहाने उनके ऑनलाइन UPI लिंक्ड पेमेंट वॉलेट की मांग की। डॉक्टर ने उसे अपना UPI लिंक्ड मोबाइल नंबर दिया, लेकिन आरोपी ने उसे दूसरे मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करने और वीडियो कॉल के दौरान कैमरे के सामने UPI खाता खोलने के लिए कहा। डॉक्टर ने वैसे ही किया जैसा कहा गया। उसके बाद आरोपी ने उन्हें बिल भुगतान खोलने और खाता संख्या फीड करने का निर्देश दिया। आरोपी ने उसे बातचीत में शामिल किया और जल्द ही उसके UPI से जुड़े बैंक खाते से 88,000 रुपये काट लिए गए। ठगी जाने का एहसास होने पर डॉक्टर ने साइबर क्राइम ब्रांच में संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम ब्रांच ने 0 FIR दर्ज कर मामले को जहांगीराबाद थाने में ट्रांसफर कर दिया।